नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा आठवीं के गणित विषय के छठवें पाठ बैजिक राशियों के गुणनखंड, इस पाठ में कुल चार प्रश्न दिए गए हैं, चार प्रश्न संग्रह दिए गए हैं 6.1 से लेकर 6.4 तक। हम इसमें 6.1 को हल करेंगे। 6.1 में कुल प्रश्न दिए गए हैं गुणनखंड के लिए। पहला प्रश्न है x घाते 2 x वर्ग प्लस 9x प्लस 18। अब हमको 18 के दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं और उसके दो भाग बनाने हैं। 18 के दो गुणनखंड होंगे 36 18, तो ये हो गया। इस प्रकार से दो भाग बनाया इसको 18 के। और यहाँ ये ध्यान देना है, आप इस प्रश्न संग्रह में जितने भी प्रश्नों को करना है उसको ये देना है कि दो ऐसे भाग बनाना है जिनको कि जोड़ने पर इतना होता हो, मध्य का पद प्राप्त होता है, ये त्रिपद है। इन दो जो गुणनखंड प्राप्त हुए गुणा करने पर इतना होना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर ये मध्य पद हमको प्राप्त होना चाहिए। तो 18 के हमने दो अभाज्य दो गुणनखंड हमने किए 36 18, और इसको दो भाग करने के बाद ये दो भाग हो गए इसके। और यहाँ पर ये इस तरह से इसमें से ये इसके दो हमने चार पद बना लिए, एक्स घाते 2 6x और 3x मिलाने पर होता है 9x। तो अब इसमें से इन दोनों में जो कॉमन है, जो सामान्य गुणनखंड है, गुणन सामान्य पद है, सामान्य व्यंजक है, उसको यहाँ लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा यक्स और यहाँ क्या बचा 6। यक्स यहाँ बाहर हो गया कोष्टक के अंदर, यक्स धन 6। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 3, यहाँ पे बचा 3 3, और यहाँ से 3 ले लिया, 3 6 18 3 हो गया। यहाँ बचा यक्स, 3 की 3 6 18 था, यहाँ 6 बचा। तो अब इसको हम ले लेंगे यक्स धन 6 एक कोष्टक में और यक्स धन 3 दूसरे कोष्टक में, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है। यक्स घाते 2 दूसरा प्रश्न है, यक्स घाते 2 ऋण 10x धन 9। अब इस 9 के ऐसे दो गुणनखंड बनाना है, दो भाग बनाने हैं जिनको कि जोड़ने या घटाने पर 10x होता हो और गुणा करने पर 9 होता हो। तो यहाँ पर 9 एकम 9, यानी ऋण 10 कैसे होगा, 9 में से 10 में से यहाँ ऋण 10 है, तो 10 में से 9 घटेगा, 1 घटेगा तो बचेगा, तो इसलिए ये संख्या धनात्मक होगी, तो ये घट जाएगा, ये संख्या होगी धनात्मक। तो 9 में से 1 ऋण ही रहेगा, ये ऋणात्मक संख्या रहेगी, दोनों ऋणात्मक संख्या रहेगी। तो ऋण 9 और ऋण 1 मिलके हो जाएगा ऋण 10। यक्स और 9 एकम 9, ये गुणा हो गया। इस प्रकार इसके यहाँ से इसके दो भाग बना लिए, यहाँ से इस तरह से करेंगे इसको, यक्स घाते 2 ऋण 9x धन ऋण 1x, एक से लिखें चाहे यक्स लिखें धन 9, तो यक्स ऋण 9 और यक्स ऋण 1, यहाँ भी इसी तरह से करना लिखना है। ये देखिए सेम चीज़ है ये, और यक्स ऋण इसके दो भाग हमने जब बनाए, एक से घाते 2 ऋण 9x ऋण यक्स, तो 9x और ऋण यक्स मिलके हो गया ऋण 10x और 9 एकम 9, ये धनात्मक रहेगी क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें से जो कॉमन है यक्स और यक्स ऋण 9, फिर यहाँ से 1 ले लिया क्योंकि अब कॉमन होगा तो 1 हो गया, यक्स ऋण 9, तो यक्स ऋण 9 और यक्स ऋण 1 इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है वाई घाते 2 वाई का वर्ग धन 24y धन 144 की धनात्मक संख्या है, 12 और 12 जोड़ेंगे तो वाई होगा, और 12 12 में 144, तो 12 12 को गुणा किया तो 144 होता है, ये हो गया 12y और ये 12y मिलके हो गया 24y। तो ये इस तरह से लिखेंगे इसको दो भाग में, x घाते 2 धन 12y धन 12y धन 144 और y पहले कोष्टक में y धन 12y ये धन 12 y धन 12।
वाई धन 12, 12y, ये 12y है ना, 12y, तो यहाँ पे हो गया वाई धन 12, ये वाई धन 12, ये 12 होगा, 12 बराबर 144, ठीक है। अब इसी प्रसंग्रह का चौथा सवाल है। अब यहाँ पे y घटित 5, y घटित 2, धन 10y, ऋण 10 है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग दिख रहा है, इसलिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 5 धाम 50। अब 50 का 2 भाग करना है, ऋण 50 होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या, तो ऋण 50 होगा। इसके 2 भाग करेंगे, ऋण 5 धन 10, दो इस तरह से संख्या होगी, ये ऋण 5 ऋणात्मक और ये धन 10, तो इसके इस प्रकार से इसके 2 भाग यहाँ पे हमने किए, 5y गए थे 2, धन 10y, ऋण 5y, ऋण 10, 5y कोष्टक में y धन 2, ऋण 5, फिर कोष्टक में y धन 2, तो y धन 2 एक कोष्टक में, 5y ऋण 5 दूसरे कोष्टक में, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, p घाते 2 ऋण 2p ऋण 35। अभी 35 का ऐसा दो भाग लेना है कि जो गुणा करने पर ऋण 35 होता हो और जोड़ने पर ऋण 2 होता है, तो ये 35 है, इसके 2 गुणनखंड करिए, गुणनखंड के रूप में इसको प्राप्त किया, 5 × 35, और इसको जोड़ने पर ऋण 2 प्राप्त होता है, पी वर्ग धन 5p ऋण 7p, 7p है ये ऋण 35, तो पी कोष्टक के बाहर पी धन 5, पी ऋण 7, फिर पी धन 5, अब पी धन 5 एक कोष्टक में और पी ऋण 7 दूसरे कोष्टक में। छठा प्रश्न है, पी वर्ग ऋण 7p बराबर 44। अभी 44 का 2 गुणनखंड करना है, दो संख्याएं ऐसी प्राप्त करना है, 11 चौक 44, और उसको जोड़ने पर ऋण 7 आना चाहिए, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक, तभी यहाँ भी ऋण होगा और यहाँ भी ऋण होगा, ऋण 11 धन 4, पी वर्ग ऋण 11p धन 4p ऋण 44। अब यहाँ से इसमें से इसके 2 भाग किए, इसका जो कामन है यहाँ पे पी ले लिया, दोनों में से पी यहाँ ले लिया, यहाँ क्या बचा पी, यहाँ क्या बचा 11, कोष्टक बंद, धन 4 यहाँ क्या बता, इन दोनों में से कामन जो है 44 4 ले लिया, 11 चौक 44 4 लिया, यहाँ क्या बचा 11, यहाँ बचा पी, पी ऋण 11 एक कोष्टक में। अब यहाँ दोनों कोष्टक में देखिए सेम संख्याएँ प्राप्त होती हैं, सेम पद प्राप्त होते हैं, पी ऋण 11 और पी धन 4, इस प्रकार से। सातवां प्रश्न है, यम वर्ग ऋण 23m धन 120, 120 के 2 भाग करने हैं, 120 8, 15 8 120, क्योंकि यहाँ धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या है, तो एक दोनों संख्याएँ ऋणात्मक होंगी, ऋण 8 ऋण 15, यम वर्ग ऋण 8m ऋण 15m धन 120 बराबर यम, यम ऋण 8 ऋण 15 यम ऋण 8, फिर यहाँ पे यम ऋण 8 और यम ऋण 15, ये यम ऋण 15 यहाँ पे, यम ऋण 8 यहाँ पे। आठवां प्रश्न है इसी प्रसंग्रह का, यम वर्ग ऋण 25m धन 100, 100 का 2 भाग करेंगे, 20 × 25, या ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या, दोनों संख्या धनात्मक होगी तो दोनों संख्या ऋणात्मक होगी, तो ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या का गुणा करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होगी और जोड़ने पर 25 होना चाहिए, तो ऋण 5 और ऋण 20 को जब जोड़ेंगे तो ऋण 25 होगा। इसी प्रकार से यम वर्ग ऋण 20m ऋण 5m धन 100, इसमें से कामन संख्या प्राप्त करेंगे, यम या यम लिख लिया, यहाँ क्या बचा यम, यहाँ बचा 20, तो एक कोष्टक में यम ऋण 20 और ऋण 5, यहाँ से कामन लिखा ऋण 5 और यम ऋण 20, यम ऋण 20 एक कोष्टक में और यम ऋण 5 एक कोष्टक में, इस प्रकार इसका गुणनखंड हुआ। नवा प्रश्न है, 3x/2 धन 14x धन 15, 3x/2, अब यहाँ पे इसका और इसका गुणा करेंगे, 15 × 3 = 45 और 45 का 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे, 9 × 5 = 45, चूँकि यहाँ धनात्मक संख्या है और यहाँ भी धनात्मक संख्या है, तो ये दोनों धनात्मक संख्या होनी चाहिए, 3x यहाँ पे हो गया, इस तरह हमने 2 भाग किया, इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं 3 और x निकाल लिया, यहाँ तो बचा x धन 3 और यहाँ से भी कॉमन संख्या 5 बचा, 5 ले लिया इधर, यहाँ बता x और यहाँ बचा 3, x धन 3 x धन 3 दोनों कोष्टक में यहाँ मिला और 3 x धन 5, तो x धन 3 एक कोष्टक में और 3 x धन 5 एक कोष्टक में। अभी इस प्रसंग्रह का 10वां प्रश्न, इसका और इसका गुणा करेंगे आपस में और इसको लिखेंगे, 2x/2 धन x 54 और इसका गुणा करेंगे, 45 दूनी 90
90 का दो गुणनखंड 9 दहा में 90, क्योंकि यहाँ पर केवल एक से बचा है, एक संख्या ऋणात्मक। अब चिन्ह का ध्यान देंगे, ऋण 9 और 10 करेंगे तो 10 में से ऋण 9 घट जाएगा, केवल एक से बचेगा, इसके दो भाग किए। इस प्रकार से यहाँ पर 2x घाते 2 धन 10x ऋण 9x ऋण 45 2x एक कोष्टक में 1 धन 5 ऋण 9 कोष्टक में 1 धन 5 एक धन 5 एक कोष्टक में उत्तर आएगा, गुणनखंड होगा, और 2x ऋण 9 एक कोष्टक में आएगा। अब 20 60 160 इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, 20 60 160 160 के दो पद बनाएंगे, दो गुणनखंड 10x ऋण 16x 16 धा में 160, तो 20x घाते 2 ऋण 16x ऋण 10x धन 8। तो इन दोनों का कामन जो रहेगा सामान्य गुणनखंड उसको बाहर लिखेंगे, 4x 5x ऋण 4 होगा, ऋण 2 इसका ऋण 2 2 5 10 2 5 10 2 4 8 तो 5x ऋण 4 5x ऋण 4 यहाँ भी है, 5x ऋण 4 यहाँ भी है, तो 5x ऋण 4 और 4x ऋण 2। इसी प्रसंग्रह का 12वां और अंतिम सवाल है, 44x घाते 2 ऋण 1 ऋण 3, अभी इन संख्याओं का गुणा करेंगे होता है 132। अब 132 का कैसे करेंगे, इसके दो भाग करेंगे, 12 धन 11, तो इसका गुणा करने पर 132 होता है, तो 44x घाते 2 ऋण 12x धन 11x ऋण 3, इसका इसके दो भाग किए इसके, और 4x 11x ऋण 3 धन 1, क्योंकि यहाँ सामान्य कुछ भी नहीं है तो वहाँ धन 1 रहेगा, और 11x ऋण 3 पहले कोष्टक में 11x ऋण 3 दूसरे कोष्टक में 4x धन 1। ये हो गया हमारा प्रसंग्रह 6.1 का मित्रों। अब हमारा ये 6.1 का समाप्त होता है। धन्यवाद।